हेलो फ्रेंड, आप सब लोग को जोहारी, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यार आप सब लोग सही सलामत है। मैं मेरी गॉड के पास दुआ करती हूँ, आन बिलीव भी करती हूँ। मेरी सारी YT फैमिली, मेरी फ्रेंड लोग सही सलामत है। और जो लोग का भी मैंने वीडियो में देखी हूँ, किसका किसका फैमिली में प्रॉब्लम है, और किस मेरी कुछ फ्रेंड लोग का तबीयत भी ख़राब है, और लोग के लिए तो मैं नाम ले लेकर और फैमिली के लिए भी मैं नाम लेकर दुआ करती हूँ। और मैं विश्वास भी करती हूँ, बिलीव भी करती हूँ, ज़रूर वो लोग जल्दी ठीक हो जाएगा, वो लोग का प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये मैं गॉड के पास दुआ करती हूँ एंड बिलीव भी करती हूँ। और आज मैं आप लोग को एक छोटा सा वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये बारिश का मौसम टाइम कैसे बिल्डिंग से बाहर दिख रहा था वाला वीडियो कुछ मैंने थोड़ा सा बनाई, व्यू को मैं थोड़ा कैच कर रही हूँ। एंड मेरी वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, मेरी बातचीत कुछ अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कर दीजिए। एंड फैमिली मेम्बर फ्रेंड लोग का साथ शेयर भी कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा सकते हैं। और मेरी हर वीडियो फर्स्ट टाइम में अपलोड करूँ तो फर्स्ट टाइम आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो में कुछ गलत भी कर रही हूँ, बोलने में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं, रानी शीश आप ये गलत कर रही है, ये बोलना थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे बोलो ऐसे करो भी आप मुझे कमेंट में बता सकती है, क्योंकि आप मेरी फैमिली मेम्बर्स है, YT का फैमिली मेम्बर्स है और मेरी फ्रेंड लोग हैं। जब सामने वाला कोई गलत कर रही है तो सामने वाला दूसरा कोई देख रही है, जब उसको प्यार करेगा तभी तो उसको डांटेगा, उसको पूरा मार्किंग करेगा। ये मैं दिल से एक्सेप्ट करती हूँ, मेरी मन में से कुछ भी नहीं होगा। और मुझे खुशी भी लगेगा कि मेरी कोई फ्रेंड लोग है, मेरी फैमिली मेम्बर है, मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मुझे सही राह पे जाने के लिए कुछ मुझे सजेशन दे रही है भी मैं सोचूँगी। और ये बहुत पुराना का वीडियो था, मैं बस ऐसे अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी चैनल ब्लॉगिंग का है, उसमें कुकिंग वगैरह, सॉन्ग, डांस, फनी ऐसे कुछ भी अपलोड करूँ तो YT उसको सपोर्ट नहीं करता है और इतना भी पब्लिक शो शेयर नहीं कर देता। ब्लॉगिंग चैनल है तो बस ब्लॉगिंग टाइप का ही वीडियो बनाओ, अपलोड करो, ये एक्सेप्ट कर रही है। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम चैनल ओपन की हूँ, चैनल खोली हूँ, YT में आई हूँ, उसी टाइम मुझे मालूम नहीं था YT का रूल क्या है क्या नहीं, कैसे वाला वीडियो डालो, क्या करो क्या नहीं, इसलिए प्रॉब्लम हुआ। नहीं तो मैं सोच रही थी ब्लॉगिंग का साथ रेसिपी, नहीं तो कुकिंग ऐसे भी लिखने के लिए मेरे दिल में बहुत था, लेकिन बस मैंने ब्लॉगिंग लिख दिया, इसलिए बस वो ब्लॉगिंग को एक्सेप्ट कर लिया। और जो भी मेरी फ्रेंड लोग को भी न्यू है, आप लोग न्यू चैनल खोला है, मोनेटाइजेशन नहीं हुआ, प्लीज़ अभी भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, आपका कैटेगरी टाइटल वगैरह डिस्क्रिप्शन में सब लिख सकते हैं। हर वीडियो में ब्लॉगिंग प्लस कुकिंग रेसिपी ये ज़रूर लिखो मिलाकर, तो आपका मोनेटाइजेशन होने का बाद उसी लेवल से YT आपका वीडियो को शेयर कर देगा। मोनेटाइजेशन पहले तो मैंने ऐसे कुछ प्लानिंग नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, ऐसे कुछ नहीं लिखी, इसलिए ये ब्लॉगिंग टाइप का ही हो रही है। जो रेसिपी वगैरह जो भी घर में कुक करते हैं कुछ, ये शेयर करते बिना, वीडियो अपलोड करते बिना कुछ फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैं जो न्यू फ्रेंड लोग हैं वो लोग मैंने रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग ब्लॉगिंग का साथ रेसिपी नहीं तो कुकिंग ऑलराउंड ऐसे कुछ भी लिखो। और क्या बताओ, फर्स्ट टाइम चैनल के बारे में कुछ मालूम नहीं था, चैनल ओपन की हूँ और ब्लॉगिंग लिखा तो विलेज लाइफस्टाइल लिखा, तो बस विलेज का लाइफस्टाइल, विलेज नेचुरी ब्यूटी ये सब दिखाने से थोड़ा YT मुझे सपोर्ट करता, उसके अलावा कुछ भी सपोर्ट नहीं करता और कुछ भी वीडियो मेरी आगे नहीं बढ़ता, इसलिए वो भी प्रॉब्लम है। और ये संडे का मेरी ब्लॉगिंग था, मैंने बहुत पुराना का वीडियो था तो मैंने सोचा अपलोड कर दूँगी, क्योंकि न्यू वीडियो बनाने के लिए टाइम भी नहीं है, घर से बाहर जाके ब्लॉगिंग बनाने के लिए टाइम भी नहीं है, बना भी नहीं पाती हूँ। जो कुकिंग शेयर करते हैं अगर ये तो YT सपोर्ट भी नहीं करता, इसलिए एक दिन हमने घूमने बाहर गए थे तो बस ये वीडियो को मैंने रखी थी, बहुत पुराने वाला वीडियो था, उसको मैं आज आप लोग को
शेयर कर रही हूँ। और संडे दिन था, हम बाहर गए थे घूमने के लिए और ये कुछ शॉपिंग मॉल में गए थे, तो मैंने ये वीडियो आप लोग को शेयर कर रही हूँ। इतना खास नहीं, फिर भी फ्रेंड लोग का साथ रोज़ कॉन्टैक्ट करना ज़रूरी है, ये सोच के मैंने शेयर कर रही हूँ ये एक वीडियो। और YT में ऐसे कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करते रहो, जब जो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये भी मैं दिल में विश्वास करके बस अपलोड कर रही हूँ। जैसे भी हो, जहाँ भी हो, अच्छा भी हो, बुरा वाला भी वीडियो हो, बना के कुछ ना कुछ अपलोड करना है। बुरा तो नहीं, लेकिन अच्छा वाला ही, जो हमको अच्छा लगता है सामने वाला को देखने के लिए, थोड़ा बहुत भी अच्छा लगेगा। जैसे सामने वाला गाली नहीं देगा, कमेंट में ऐसे गंदा कमेंट नहीं लिखेगा, ये ध्यान में रख के अपलोड करना है। लेकिन अभी का तो सिचुएशन ऐसा हो गया ना, जो लोग निखेड़ी वीडियो बनाते, निखेड़ी टाइप जो लोग करते हैं, वो लोग ही YT सपोर्ट करता है, हमको कुछ भी YT सपोर्ट नहीं करता। जो हम कुकिंग हो, रेसिपी वगैरह जो लोग न्यू सिखाते, टिप्स वगैरह देते, ब्लॉगिंग जो लोग दे, वो लोग का इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मैं जो भी मेरी फ्रेंड लोग की YT में फैमिली हो, सब लोग मैं देखते, मुझे तो ऐसे ही लग रही है। लेकिन जो लोग बेकार मिल, जो फैमिली के साथ बैठ के, मम्मी पापा बच्चा बच्ची सब बैठ के मन प्यार से हंसा मजाक ऐसे टाइप वीडियो नहीं देखी पाएगी, वो वीडियो ज़्यादा वायरल हो रही है। और जो फैमिली के साथ बैठ के भी देखो और अच्छा बुरा ये भी डिसीजन करो, ऐसे वाला वीडियो नहीं वायरल हो रही है। वो क्या करने का, ऐसे कोशिश तो करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, जो भी हो YT का मर्जी। फिर हम तो एक वर्कर है, हमारी वर्किंग हम आगे बढ़ाना ज़रूरी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑल माई फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। अभी ठंडी की मौसम है, ध्यान रखना, क्योंकि छोटी छोटी बीमार ज़्यादा बढ़ जाता है। और हॉट पानी, गुनगुनिया गर्म पानी डेली पियो सुबह सुबह, तो शरीर के लिए हेल्दी दायक होता है। मॉर्निंग वर्क भी कर लो, इवनिंग वर्क भी कर लो, सनलाइट लेना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय ऑल माई फ्रेंड्स।